देश में 25 जून 1975 को लगे आपातकाल को भाजपा द्वारा 25 एवं 26 जून को काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसे लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि 50 साल पहले इंदिरा गांधी ने जिन परिस्थितियों में आपातकाल लागू किया वे इतिहास में दर्ज है। इंदिरा गांधी में साहस था, उन्होंने घोषित आपातकाल लगाया था। देश में 10 साल अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। किसान शहीद हो रहे हैं, मीडिया को दबा दिया गया है, विपक्ष के लोग अगर सवाल करते हैं तो उन्हें जेल भेज दिया जाता है, विभिन्न मसलों में जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। 50 साल पहले इंदिरा जी ने जिन परिस्थितियों में लागू किया पूरे देश इतिहास में सारी चीजें दर्ज है और उसके बारे में बहुत ज्यादा विस्तार से मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इंदिरा जी में साहस थे, उन्होंने घोषित आपातकाल लगाया था और अभी 10 साल से देश में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। किसान शहीद हो रहे हैं, उसको कोई लेना देना नहीं सरकार को, मीडिया को बिल्कुल दबा कर रख दिया गया है, विपक्ष के लोग यदि सवाल करते हैं तो जेल भेज दिया जाता है, विभिन्न मामलों में जबरदस्ती फंसा दे रहे हैं। तो ये सारी बातें स्पष्ट कर रही है कि ये अघोषित आपातकाल बहुत खतरनाक है और यदि प्रजातंत्र में मोदी जी को विश्वास होता तो फिर कांग्रेस के जो बैंक खाते हैं उसे सीज नहीं करते। तो ये स्थिति पूरे देश में है और उसके बावजूद भी लोगों में जनतंत्र प्रति लोकतंत्र प्रति अगाध विश्वास है, दृढ़ विश्वास है और इस कारण से मोदी जी संविधान को छूने की बात कर रहे हैं, बदलने की बात कर रहे हैं, वो नहीं कर पाएंगे। तीन काले कानून, अभी जिस प्रकार से आईपीसी सीआरपीसी में बदलाव किया, जिस प्रकार से लोकसभा के 147 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, एक दिन में 78 सांसद निलंबित कर दिए, ये क्या है? तानाशाही नहीं और क्या है? ये अघोषित जो तानाशाही चल रहा है खत्म हो रहा है।